शक का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है और से इसको जरा सुनिए बड़ी है रस का है। हजरत जुमे की नमाज के बाद इमाम मस्जिद तकरीर फरमा रहे थे। तकरीर में बिस्मिल्लाह की अजमत का बयान बता रहे थे। तकरीर के दौरान उन्होंने बताया कि सच्चे दिल से जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखेगा वो बगैर कश्ती के दरिया पार कर जाएगा, वो डूब नहीं सकता। गांव देहात का एक आदमी वो तकरीर बड़ी गौर से सुन रहा था। उसने इमाम साहब की बात दिल में बसा ली और बिस्मिल्लाह पर यकीन कर लिया। अब आगे सुनिए। दर हकीकत है ये बिस्मिल्लाह एक आयत अजीम मेहरबदर असल है जिस पर खुदा वंदे करीम शख्स जो भी पढ़ के बिस्मिल्लाह कुछ करता है काम फजल हक से कामयाबी उसको मिलती है मुदाम। ऐसे भी कुछ लोग हैं कम अकल और कोताही असलियत में उस पे जो करके नहीं पूरा यकीन। ऐसे ही एक सीधे सादे मुल्ला जी का है बयान दर्स इबरत बन गई जिनकी ये तरफा दास्ता। एक दिन बाद नमाज जुमा मस्जिद बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान बरकतों का उसकी वो करने लगे सच्चा बयान। पढ़कर सथे दरिया पर जो रखेगा कदम पार कर जाएगा वो उसको बस जाओ हशम। करके जाते पाक पर अल्लाह का पूरा यकीन जो भी चाहे आजमा ले अहल दीस को कहीं। दूर के एक गांव का एक शख्स उस मस्जिद में था मुल्ला जी का ये उसने बड़े दिल से सुना। आदमी पूरा यकीन करके वो बिस
जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर। राह में पड़ता था एक दरिया बड़ा ही पुरखतर, पुल से जाता था वो अपने गांव चक्कर काट कर। वो आदमी तकरीर सुनकर अपने गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में दरिया पड़ता था जो बड़ा पुरखतर था, जिसकी वजह से उसे काफी घूम कर जाना पड़ता था। उस दिन उसने इमाम साहब के बताने के मुताबिक बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में पांव रखा और चलते हुए पार कर गया। वो खुश खुश घर पहुंचा। अब वो रोज इस तरह आता और इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर जाता। इस वाकये में अब आगे क्या होता है, लीजिए समाप्त फरमाइए। उसने सोचा अब मैं इस दरिया से चलकर जाऊंगा, बिस्मिल्लाह रखा उसने दरिया पर कदम, पार उसको पल में कर डाला बसत जा हो हशम, हो गया फजले खुदा से पानी उस दरिया का शल, दे दिया अल्लाह ने उसको अकीदे का बदल, आदमी वो शान से खुश हो के पहुंचा अपने घर और सारे गांव वालों को सुनाई ये खबर। बात बिस्मिल्लाह के इस मौजज़े की जब सुनी, शहर और गांव के लोगों में मची एक खलबली, शहर आते जाते दरिया को जब करता था पार, शहर आते जाते दरिया को जब करता था पार, शहर आते जाते दरिया को जब करता था पार, देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार, शहर आते जाते दरिया को वो जब करता था पार, देखते थे ये तमाशा लोग आकर बेशुमार। जब लोगों ने बिस्मिल्लाह के इस मोजज़े की बात सुनी तो खलबली मच गई। तमाम लोग देखने आए, कहीं कोई अवतार पीर वली तो नहीं है, कोई जादूगर तो नहीं है। जब ये बात इमाम साहब ने सुनी तो वो भी दरिया के किनारे गए। वो आदमी जब बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को पार कर गया तो इमाम साहब को बड़ी हैरत हुई। आगे समाप्त कीजिए। कोई कहता था बड़ा अवतार पैगंबर है ये, और कोई सोचता था दिल में जादूगर है ये, मच गई उस शख्स की हर एक गली कूचे में धूम, उसके पीछे एक लगा रहने लगा हर दम हुजूम, लोग झुक झुक कर उसे करने लगे सभी सलाम, हर जगह में लगा उसका अदब से एहतराम, असल में चारों तरफ जब उसकी शोहरत हो गई, देखने की उसको हर एक दिल में चाहत हो गई, शहर की उस लामा मस्जिद में ये जब पहुंची खबर, आए मुल्ला जी वो दरिया के किनारे दौड़ कर, उतरा जब दरिया दरिया के ऊपर से वो होकर देखना,
कर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम, देख कर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम, देख कर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम, देख कर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम। उतरा जब दरिया के ऊपर से वो होकर नेक नाम, देख कर ये पड़ गए हैरत में मस्जिद के इमाम। इमाम साहब उस आदमी से पूछने लगे कि सच सच बताओ, क्या पढ़कर तुम दरिया को पार कर जाते हो? उस आदमी ने इमाम साहब को पहचान कर सलाम किया और अदब से कहने लगा, आप मेरे सच्चे रहबर हैं, आप ही ने तो जुमे की तकरीर में बताया था कि जो सच्चे दिल से बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया में कदम रखेगा वो बगैर कश्ती के पार हो जाएगा। सामईन हजरात अब आगे सुनिए। ये सच सच बता, रुतबा ये किस कलमाए हक से हुआ तुझको अता, कौन सा कलमा तू पढ़कर करता है दरिया को पार, जानने के वास्ते ये बात हूँ मैं बेकरार। उसने मुल्ला जी को पहचाना, किया झुक कर सलाम, फिर अदब के साथ वो करने लगा उनसे कलाम, आप ही हजरत मेरे रहबर हैं सच्चे बा खुदा, आप ही से तो ये मुर्दा चीज को रुतबा मिला, आपने जो पिछले जुमे को दिया अपना बया, आपने जो पिछले जुमे को दिया अपना बया, आपने जो पिछले बिस्मिल्लाह की खूबी आया, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबी आया, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबी आया, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबी आया। आपने जो पिछले जुमे को दिया अपना बयां, की गई थी उसमें बिस्मिल्लाह की खूबियां आया। उस आदमी के बताने पर इमाम साहब को याद आ गया कि मैंने जुमे के दिन ये बयान किया था। जब लोग दरिया के किनारे से चले गए तो डरते डरते बेयकीनी के साथ ऊपरी दिल से बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी में पैर रख दिया, खौफ के मारे पीछे हट गए। अब आगे क्या होता है समाप्त फरमाइए। सच्चे दिल से पढ़ के बिस्मिल्लाह ये करता हूँ काम, उसकी अजमत से मिला है मुझको ये आला मकाम, आ गया फिर याद मौलाना को वो अपना बयां, ते उन्होंने कर लिया मैं लूंगा इसका इंतहा। लोग जब दरिया किनारे से हटे जब सब के सब, उनके दिल पे खौफ का तारी हुआ आलम अजब, डरते डरते पहुंचे मुल्ला जी वो उस दरिया के पास, फजल हक की बेयकीनी से लगा कर दिल में आस, ऊपर दिल से पड़े अल्लाह के कलमा के खैर, पढ़ के बिस्मिल्लाह फिर पानी पे रखा अपना पैर, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए। डूबने के खौफ से फौरन वो पीछे हट
डूबने के खौफ से फौरन वो पीछे हट गए, हौसले के दिल में जो रिश्ते थे सब वो कट गए। इमाम साहब को बिस्मिल्लाह की अजमत पर यकीन तो था नहीं, पानी पर बार बार अपना पैर रखते और हटा लेते, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो जोश में आकर दौड़कर दरिया में छलांग लगा दी, थोड़ी देर में डूब गए। सुबह जब लाश तैर कर ऊपर आई तो लोगों को उनकी बेयकीनी की खबर हुई। लोगों ने उनका मजार दरिया के किनारे बना दिया। बेशक अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन दिल में मुकम्मल यकीन जरूरी है। सामईन हजरात समाप्त फरमाइए। उनको हर सू मौत का मंजर नजर आने लगा, दिल पे उनके बेयकीनी का असर छाने लगा, खौफ से अपना कदम पानी पे रखकर बार बार पीछे को हटते रहे वो शाम तक नवार। उनकी घबराहट ने कुछ ऐसा किया उन पर असर, जिसके गलबे से पसीने में हुए वो तर बतर। अलगरब इस कश्मकश में जब अंधेरा हो गया, मौत की कुर्बत का उनके गिर्द घेरा हो गया। बेयकीनी की बिना पर उनकी थी हालत अजीब, दर हकीकत आ गया था उनकी गर्दन में नसीब। पढ़ के बिस्मिल्लाह करके मौत से बचने की मांग, पढ़ के बिस्मिल्लाह करके मौत से बचने की मांग, पढ़ के बिस्मिल्लाह करके मौत से बचने की मांग, पढ़ के बिस्मिल्लाह करके मौत से बचने की मांग। दौड़ कर उछले लगा दी बीच दरिया में छलांग, दौड़ कर उछले लगा दी बीच दरिया में छलांग, पढ़ के बिस्मिल्लाह करके मौत से पीछे हटे, दौड़कर उछले लगा दी बीच दरिया में छलांग, पानी की तह में वो पहुंचे आई गुप गुप की सदा, बेयकीनी का दिया अल्लाह ने उनको सिला, एक ही पल में वो आगोशे अजल में खो गए, अपनी बदअमली की तुरफा जुस्तजू में खो गए। आ गई सुबह को उनकी लाश ऊपर तैर कर, और फिर उसकी करीबी गांव में पहुंची खबर, लाश को उनकी निकाला उनको फिर कफना दिया, मिलके सभी गांव वालों ने उन्हें दफना दिया। बन गया उनका वही दरिया किनारे पर मजार, तरसी व्रत के लिए जो बन गया एक यादगार, जो यकी पूरा उसकी करेगा वक्त अपनी जिंदगी, राह में उसकी करेगा वक्त अपनी जिंदगी, राह में उसकी करेगा वक्त अपनी जिंदगी, राह में उसकी करेगा वक्त अपनी जिंदगी।
इशारों पर ये सारी कायनात है बड़ी ही खूबियों वाली वो एक जाते से पास जो करेगा उसकी बहर अंदाज है उल्टे बरी मिल्कियत उसकी बहर अंदाज है उल्टे बरी मिल्कियत उसकी बहर अंदाज है उल्टे बरी मिल्कियत उसकी बहर अंदाज है उल्टे बरी जो यकी पूरा करेगा कि वो आदमी खुल्दे बरी में जाएगा और हमेशा ऐश वो हर एक तरह से पाएगा नाम है अल्लाह जिसका हाजिर और नाजिर है वो जो ना समझे इसको सच एक मुल्हिद और मुनकिर है वो जात हक पर जिसको सच्चाई से है पूरा यकीन खुदा एक मुत्तकी मुस्लिम वही है अहले दीन है अजीमुल मर्तबा कलमा ये बिस्मिल्लाह का यानी एक तोहफा है अपने खान के जीजा का इसका जो आमिल है फजले हक से वो खुशहाल है इसका जो आमिल है फजले हक से वो खुशहाल है इसका जो और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है इसका जो आमिल है फजल हक से वो खुशहाल है इसका जो आमिल है फजल हक से वो खुशहाल है इसका जो और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल है दीन और दुनिया की हर नेमत से माला माल